आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक स्टार समीक्षा सूद के बारे में। जैसा कि आपको पता है, टिकटॉक पे एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, मिलियंस में व्यूज गए हुए हैं। बाद में उस वीडियो को रिमूव कर दिया है आपने टिकटॉक आईडी से। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो प्ले कर दिखा देता हूँ, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा आखिर में इस वीडियो में क्या बोला था और इस वीडियो को डिलीट क्यों किया। अच्छा, जो लड़के लड़के वो कहते हैं ना कि तुम तो लड़की हो, तुम्हारे फॉलोअर तो होंगे ही, तो भाई सुन, तुम थर्की हो, फॉलो तो करोगी। तो जैसा कि आपने ये वीडियो देखे, आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो को डिलीट क्यों किया गया। जैसे ही ये वीडियो टिकटॉक पे अपलोड किया गया, काफ़ी तेज़ी से लाइक्स एंड व्यूज बढ़ना स्टार्ट हो गया और इस वीडियो पे नेगेटिव कमेंट आना स्टार्ट हो गया। जैसे कि आपको पता ही होगा, लड़के के बारे में कुछ गलत वर्ड का इस्तेमाल किया था, इसकी वजह से वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गया। लड़की को रिप्लाई देते हुए बहुत सारे लड़के ने कुछ अलग अलग तरह से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया और उसके इंस्टाग्राम पे जाने के बाद उसके DM में गलत कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आए थे और वहाँ इंस्टाग्राम पे उसे मारने की धमकी भी दिया गया था। तो कुछ इस तरह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो कुछ लड़कों ने लाइक देते हुए बहुत सारे वीडियो अपलोड किया गया, अचानक से उसका 2 मिलियन फैंस फॉलोअर घट जाता है, यानी कि 22 मिलियन के आसपास चला आता है। अब यदि आप देख भी सकते, बहुत सारे वीडियो टिकटॉक पर ऐसे अपलोड किया गया था, वो बहुत सारे ब्लॉक कर दिया था क्योंकि उसने गलत वर्ड का इस्तेमाल किया था। इसकी वजह से इस तरह के वीडियो अपलोड किया जा रहा है और समीक्षा सूद को ट्रोल किया जा रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख भी सकते हैं। ये जवाब उन लड़कियों के लिए है जो कहती हैं तुम ठरकी हो, फॉलो तो करोगे ही, अगर ये ठरकी ना होते तो तुम जिस मुकाम पर हो उस मुकाम पर ना होती। और सुनो, हम ठरकी नहीं हैं, कहो तो प्रूव करने के लिए अनफॉलो कर दें। वीडियो देख लिए तो आपको समझ में आ गया होगा से आखिर में उसने क्या बोला था। समीक्षा सूद को रिप्लाई देते हुए उस लड़के ने कुछ इस तरह के वीडियो अपलोड किया गया और जैसे ही समीक्षा सूद का फैंस फॉलोवर घटना स्टार्ट हुआ तो उसने उस वीडियो को डिलीट किया था। इसके बाद फिर से एक वीडियो बनाया था जिसमें उससे सब लड़कों से माफ़ी मांगा। तो सबसे पहले वीडियो देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें बहुत सारे लड़कों को बुरा लग गया है और वो बोल रहे हैं कि मैं लड़कों की रिस्पेक्ट नहीं करती। मैं लड़कों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो सिर्फ एक कंटेंट था और मेरी किसी को हर्ट करने की कोई सोच नहीं थी। मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाह रही थी, वो सिर्फ एक वीडियो थी और वो भी मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि उन लड़कों के लिए जो ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोला था मैंने। खैर, मुझे ये बात समझ में आई है कि मेरे ऊपर इस टाइप की वीडियोज़ नहीं सूट करती हैं, तो मैं आज के बाद ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी। एंड रियली सॉरी अगर किसी को भी बुरा लगा है तो या हर्ट हुआ है तो, मैं ऐसी इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। माफ कर दो यार, ऐसा ये बताओ लेकिन कि गलती किस इंसान से नहीं होती। चलो मैंने भी उसको देख करके बना दी वीडियो, मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन एक गलती मानने वाला इंसान हमेशा बड़ा ही कहलाता है। वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आखिर मामला क्या था और किस लिए उसके फैंस फॉलोअर इतना तेजी से घटना स्टार्ट हुआ। मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, यदि आप लोग किसी भी कंसेप्ट पे वीडियो बनाते हैं तो समझ के बनाइए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे फैंस फॉलोअर काफ़ी ज़्यादा है। जैसे ही अगर कुछ गलत कंसेप्ट पे वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों के वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है क्योंकि फैंस फॉलोअर काफ़ी ज़्यादा है और आप लोगों को नेगेटिव कमेंट आना स्टार्ट होता है। कभी भी आप लोग नेक्स्ट टाइम से वीडियो बनाते हैं किसी भी कंसेप्ट पे, तो सबसे पहले वहाँ पे देखिए क्या ये वीडियो लोगों को नेगेटिव वेव में लेके तो नहीं जा रहा है या फिर पॉजिटिव वेव में लेके। नहीं तो अगर कुछ इस तरह के गलत कंटेंट बनाते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साबित हो सकता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलून चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।